अरे ये मिक्सर का प्लग किसने निकाल के रखा? और कौन कर सकता है? कल्याणी, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे क्यों शोर मचा रही हो? क्या हो गया? क्या है ये सब? देखो मल्लाल, ये सब कल्याणी ने किया है। क्यों उस पे इल्जाम लगा रही हो तुम? वो क्या कमरे में बैठे जादू टोना कर रही है तुम पे? मैंने कहा ना, ये कल्याणी ने किया है, उससे पूछ। कल्याणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें खबरदार जो कल्याणी पे इल्जाम लगाया। लेकिन मल्हार जी, संपदा जो कह रही है वो सच है। ये सब मैंने ही किया है। क्या? लेकिन तुमने ये सब क्यों किया कल्याणी? अरे इससे क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ, ये मोक्ष के लिए खिचड़ी बनाकर लाई थी, लेकिन जब इसने देखा कि मैं अपने मोक्ष के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ, उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया और उसने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो, छोड़ो से। दूर हटाओ। रुक जाओ। कल्याणी, ये क्या कर रही हो तुम? कल्याण, क्या कर रही हो? तीखा पानी, पानी। इसीलिए किया था मैंने ये सब। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आके खिचड़ी चख ली, तुम्हारी बनाई हुई खिचड़ी। इतनी तीखी खिचड़ी खिलाती तो मेरे मोक्ष को। हो गई मुझसे गलती, उसमें क्या है? और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ जिससे इतना सब कुछ करने को आता हो। मैंने कम से कम कोशिश तो की है मेरे बच्चे के लिए, अपने बच्चे के प्यार के लिए इतनी मेहनत की है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया मल्हार? बहुत मेहनत की है ना संपदा तुमने, तो फिर ये बिल कौन सा है? इस पे तो लिखा है कि साई लीला होटल से आज यहाँ एक दाल खिचड़ी मंगाई थी। साफ करो ये सब। मैं नौकरानी नहीं हूँ यहाँ की। संपदा। मल्हार जी, संपदा देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बिल्लू की खातिर हम दोनों के बीच जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना, वो हमें भूल जाने चाहिए। देखो संपदा, बिल्लू के लिए, सिर्फ बिल्लू के लिए मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद करने दो प्लीज, कुछ दिन। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है वकील मैं क्या कह रहा हूँ? सुन रहे हो ना तुम? मोक्ष को मल्हार से अलग करो ताकि संपदा मेरी जिंदगी में वापस आए, फिर चाहे उसके लिए जितना पैसा लगता है ना उतना लगाओ, मुझे संपदा मेरी जिंदगी में वापस चाहिए, समझे? हाँ बेटर। अरे संपू, ये भी कोई रोमांस करने का वक्त है? अरे जी, क्या ये? क्या मेरी बार कहीं मोक्ष की? क्या बोल रहे हो तुम? खिचड़ी है ये, खिचड़ी। अरे बिगाड़ लग रही हो तुम। अथर, तुमसे जुदा होने के बावजूद मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें उसकी पड़ी नहीं है और इसकी पड़ी है, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे संपू, मजाक कर रहा हूँ। तू रटो,
अरे मैं प्यार तो तुम ही से करता हूँ ना। हाँ फिर चाहे तुम इस बाड़े की मालकिन हो या बाड़े के बाहर बैठी भिखारन, प्यार से तुमसे। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए और मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना, समझे तुम? मैं समझ रहा हूँ संपू, मैं समझ रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी में पूरी तरह वापस जरूर होगी, बस जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा तुम करती जाओ बस। ए बॉक्स पाटिल भाई, ये बॉक्स में से ना साड़ी बाहर निकलती है, ठीक से लगाइए। ये शेखर भाव कैसे लगाया स्टिकर, देखिए ना निकल रहा है सब, चेक कीजिए सब जी। आई अब बहुत काम हो गया आज के लिए, चलो आराम करें। चलो आराम? नहीं नहीं आराम नहीं कल्याणी, मुझे डिलीवरी वक्त पे देनी है, हो गया? आई तुमने प्रॉमिस किया था ना कि संडे को तुम मेरे साथ बैठ के मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी और मेरे साथ पढ़ाई भी करोगी, संडे आज? हाँ कल्याणी, लेकिन काम भी ज्यादा है ना। आई संडे को ना काम सिर्फ बोरिंग लोग करते हैं, तुम भी बहुत बोरिंग हो गई हो। बोरिंग? बोरिंग से ध्यान आया, कल्याणी कल पानी जाने वाला है, अगर पानी नहीं भरा ना तो बोरिंग का पानी पीना पड़ेगा सबको, मैं अभी पानी भर के आती हूँ। कल्याणी भाई मेरे आने तक ये सब हो जाना चाहिए। क्या करूँ ऐसा जो मेरी आई रोबोट की तरह काम करना बंद कर दे। वाओ ख्याल तो चटपटा है। माई सर से दर्द फटा जा रहा है। क्या सर फट रहा है कि दर्द फट रहा है? वही, इसलिए घर जा रहा हूँ। माई माई मेरे चिंटू के पापा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं भी जा रही हूँ घर। अरे लेकिन शालिनी भाई बहुत काम। माई मेरी सास ने फिसल के गिर गई बाथरूम के अंदर, मैं जा रही हूँ। माई क्या आपको कहाँ दर्द हो रहा है? वही नहीं पता चला, डॉक्टर के पास जाके ढूंढना पड़ेगा। कल्याणी हाँ ऐसे सब कामगारों को भगा दिया तो फिर काम कौन करेगा? अरे आई चिल ना, आज क्या है, आज है संडे तो हम सिर्फ रिलैक्स करेंगे और कुरकुरे खाएंगे। वैसे कल्याणी ये संडे के छुट्टी का ख्याल भी चटपटा आया। बड़ा आई जब भी मल्हार जी को बहुत गुस्सा आता था ना मैं उन्हें कुरकुरे खिलाती थी, उनका ना पूरा मूड ही बदल जाता था। जब पिल्लू बड़ा होगा ना और जब वो छुट-छुट करेगा ना हम उसे भी खिला देंगे। आई अब जब मल्हार जी को गुस्सा आएगा तब उन्हें कौन शांत करवाएगा? कोई नहीं कल्याणी, देखो उसके लिए भी हम कोई चटपटा आइडिया सोच ही लेंगे। ये ख्याल भी चटपटा है। पिल्लू कहाँ है, किसके साथ होगा? हाँ मल्हार जी के साथ टहल रहा होगा। संपदा इधर आ जरा। क्या है? क्या ये क्या है? विधवा बनने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मल्हार तो अब तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा नहीं। वो कैसे? क्योंकि राउत साहब आज मल्हार से अपना बदला पूरा करेंगे। मल्हार कहीं बाहर गया है और राउत साहब ने उसके जीप के ब्रेक फेल कर दिए हैं। Thank you.
प्लीज गाड़ी रोकने की कोशिश करिए मल्हार जी, मल्हार जी। कल्याणी दिल छोटा मत करो, तुम्हें मल्हार पे भरोसा है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे बुरा लग रहा है? अरे पागल हो क्या? कुछ भी सच्ची बहुत भोली हो तुम, मुझे कोई बुरा बुरा नहीं लग रहा है। हाँ नहीं, वो तो मैं संपदा के साथ ऐसे मजाक कर रही थी। हाँ मतलब लगने दो ना उसे कि मुझे बुरा लग रहा है, जलन हो रही है, लगने दो उसे, मुझे तो सच पता है ना। घबराने की कोई बात ही नहीं है। क्या इतनी भी भोली नहीं हूं कल्याणी कि तुम्हारा दर्द न समझ सकूं? आज की रात खोना है क्या, पाना है क्या, खोना। अथर्व, अथर्व, अथर्व कहाँ जा रहे हो? अथर्व रुको, अथर्व प्लीज रुको, अथर्व तुम कहाँ जा रहे हो? अथर्व प्लीज, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अथर्व प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो अथर्व। दिमाग खराब हो गया है? मेरी गाड़ी के आगे आके मरने का प्लान है? जाओ मल्हार राणे की बाहों में मरो ना। पानी पानी पानी, जब तक जयंत और उस दुबई वाले का नंबर नहीं दे देता ना, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। पानी। पवार, जब तक ये इन्फॉर्मेशन ना उगले, इसे ना पानी देना ना खाना। जी सर। मैं अभी घर जा रहा हूँ, सुबह जल्दी आऊंगा। ठीक है? ठीक है सर, जय। मल्हार जी। कल्याणी। मल्हार जी, मुझे पता था कि आज आपको रात भर काम करना है, इसलिए मैं आपके लिए घर से टिफिन लाई हूँ, अपने हाथों से बनाया है मैंने। बट डोंट वरी, संपदा को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ कल्याणी, लेकिन मैं तो घर। आप घर कैसे जा सकते हैं? अभी तो आपको कितने मुजरिम भाई लोग से और इन्फॉर्मेशन निकलवानी है ना, सच उगलवाना है ना, और उसके लिए आपको ताकत चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। चलिए चलिए, हम खाना खाते चलिए। सॉरी, अब वो मैं थोड़ा भावना में ज्यादा बह गई। अब लेकिन मल्हार जी, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, आप अब खाएंगे नहीं? ऐसा नहीं करेंगे ना, इसलिए चलिए प्लीज चलिए। हाँ कल्याणी। राहुल, उस केस को ठीक से दर्ज करो, नई फाइल बनाओ। मल्हार जी, और फिर वो, आप फोन पे ही बात करते रहेंगे या फिर आएंगे भी? खाना खा लीजिए ना। और फिर वो सब इंस्पेक्टर पुष्कर को दो, मैं रखता हूँ अभी। मल्हार जी आ जाइए। कल्याणी, यहाँ खाना जरूरी है क्या? हम पुलिस स्टेशन में भी तो खा सकते थे ना। अरे मल्हार जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब खाना भला कोई मुजरिमों के बीच में खाएगा? नहीं नहीं, अब खाना खाने तो थोड़ा अच्छे से खुले खुले माहौल में खाना चाहिए ना। हाँ रुक जाइए, मैं परोसती हूँ अभी। ये लीजिए मल्हार जी, खाइए, मैंने बनाया। तुमने खाना खाया? नहीं। बहुत बहुत जोर से नींद आ रही है मुझे। तुम क्यों नहीं खा रही हो? खा लो। हाँ मैं दूसरी प्लेट निकालती हूँ। कल्याणी, तुम इस प्लेट में भी खा सकती हो।
तुम्हें याद है ना और सब ने क्या कहा था, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन आई को फोन करने का फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो मेरा फोन उठाएंगे ही नहीं। काका आप एक काम करिए, आप मुझे उस होटल का नाम बताइए और कुछ भी करके ना मुझे रूम नंबर भी दीजिए, मैं खुद वहां जाके देखती हूँ आखिर चल क्या रहा है। ठीक है। जगह तो यही है। भाई को इतनी शेरी जगह पे क्यों लेके आएंगे? 203 रूम नंबर 203 ये क्या कर रही हो? ये सवाल ना मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसी वाहियात जगह पे कॉफी पीने तो आऊंगा नहीं, तो वांटेड मुजरिमों की इन्फॉर्मेशन है, उन्हें पकड़ने आया हूँ। वांटेड मुजरिम? आई और पापा वांटेड मुजरिम कब से बन गए? वो दोनों यहाँ? हाँ, काका ने मुझे बताया कि पापा आई को यहाँ लेकर आए, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। क्या देखो, खोलो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मैं चिल्ला रही हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ। कल्याणी क्या बचाओ, एक सेकंड, क्या बचाओ बचाओ चिल्ला रही हो, किससे बचाओ? खोलो खोलो, चिल्लाना चाहिए ना। सॉरी, खोलो खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज। मल्हार जी मैं कह रही हूँ आपसे, जरूर किसी की कोई चाल है। बड़ी जल्दी समझ में आ गया तुम्हें? मुझे भी अननोन नंबर से इन्फॉर्मेशन आई थी, कल्याणी में फंसाया गया है यहाँ पे। काका ने जो एड्रेस बताया मैंने वही एड्रेस अपने हाथों से लिखा। काका तुम्हें इस जगह एड्रेस क्यों देंगे? ओके, थैंक यू काका। हाँ मैं बस अभी निकल रही हूँ। ये सब क्या है? मैं अपनी मंगेतर के साथ इस होटल में शादी के 10 दिन पहले वक्त तो बिता ही सकता हूँ। क्या है ये सब? हाँ,
भाई बाबा को वीडियो दिखाना है तो दिखाओ, और न्यूज़पेपर में भी दो, मीडिया को भी दो, वायरल करवा दो। पहले ही साड़ियों का ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से हम बहुत परेशान है, अब यही देखना बाकी था। दादा दादा मैं क्या करता, मुझे जैसे ही पता लगा कि कल्याणी मुसीबत में है, मल्हार कल्याणी को सस्ते से होटल में लेकर गया और वो दोनों वहां अकेले हैं, मैं कल्याणी को बचाने चला गया। अब सोचिए अगर ये बात गांव वालों तक पहुंच जाती कि वो दोनों वहां अकेले हैं तो बिन मतलब कल्याणी की बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैं वहां। अथर्व अपना मुंह बंद कर वरना क्या, वरना क्या? अरे हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बेटी को उस गंदी जगह पर ले जाने की? पापा मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये सब अथर्व की चाल थी पापा, और इसी की वजह से मैं और मल्हार जी एक ही वक्त एक ही जगह पे पहुंचे। अरे मैं तो ये देखने गई थी कि आप आई को लेके कहाँ जा रहे थे। पूछिए इससे अगर ये सच बोल रहा है तो फिर वो क्या कर रहा था उस वॉशरूम के अंदर, बोलो ना अथर्व। इससे तो साबित हो गया ना कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं दादा ऐसा नहीं है, अगर जैसी मालूम पड़ा कि मल्हार कल्याणी को सस्ते से होटल में लेकर गया, मैं खुद वहां कल्याणी को बचाने के लिए पहुंचा, लेकिन मल्हार वहां से निकल चुका था और बेचारी कल्याणी गुंडों से अकेले जूझ रही थी। मैं क्या करता दादा, मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आया, इसलिए मैं खिड़की से कूद कर वहां कल्याणी को बचाने पहुंच गया। दादा मुझे और कोई उपाय समझ में ही नहीं आया, मैं क्या करता। मैंने कल्याणी को वहां नहीं बुलाया था, मैं वहां एक मुजरिम पकड़ने गया था। रहने दीजिए मल्हार जी। वाह अथर्व वाह, कितने महान हो तुम, सच में तुम्हारा ये एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पता है आज तुमने मेरे दिल को इतनी खुशी दी है ना कि फूलों की बारिश करने का दिल करता है तुम पे। दादा दादा मेरा विश्वास कीजिए दादा, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं समझता हूं कि एक बाबा होने के नाते आप पर क्या बीत रही है, आपके कंधे पर कितना बोझ है, जिनके 18 साल की बच्ची की एक आदमी के साथ जबरदस्ती शादी करती हो, फिर वो शादी टूट गई हो, उस पर एक बच्ची की जिम्मेदारियां आ रही हो, मैं जानता हूं आप पर क्या बीत रही, और मैं जानता हूं आपके मन में कई सवाल है कि आपके बच्ची का साथ कौन निभाएगा, उसका हाथ कौन थामेगा, उसके सपने पूरे करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, मैं जानता हूं ये सब सवाल आपके मन में। तुम कहना क्या चाहते हो अथर्व? माई मैं कल्याणी का भविष्य सुधारने के लिए, कल्याणी का जीवन सुधारने के लिए अतुल दादा की मदद करना चाहता हूं। मैं कल्याणी की सारी जिम्मेदारियां उठाना चाहता हूं, मैं कल्याणी से शादी करना चाहता हूं। के लिए मुझे पहने हुए कपड़े की तरह उतार कर फेंक दिया ना, मुझे उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ कल्याणी की भलाई की फिक्र है। जिन लोगों की मैंने फिक्र की, जिन लोगों को मैंने प्यार किया, ये बात मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि वो मेरे प्यार और मेरी फिक्र के लायक ही नहीं थे। मुझे तुम्हारे कोई सवालों का जवाब नहीं देना। अतुल दादा मेरा प्रस्ताव अभी भी अटल है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल्याणी से शादी करना चाहूंगा।